हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस नए साल के अवसर पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप बहुत ही खुश रहें, बहुत ही अच्छे से रहें। तो दोस्तों, मैंने कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स और विंटर वेजिटेबल प्लांट्स जो कि सीड से ग्रो किए हैं, आज मैं अपने गार्डन में आपको उन प्लांट्स को दिखाने वाला हूँ, उनका अपडेट देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इस तरह का गार्डन दिखता है, आप जब मेरे टेरेस पे आओगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा सारा प्लांट्स। और शुरुआत करते हैं हम अपने इस प्लांट से। इस प्लांट का नाम है मैरीगोल्ड, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है, रेड कलर में है। और ये जब भर के फ्लावर्स इन पे आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ कॉलीफ्लावर्स के भी प्लांट इस पे लगाए हैं, आप देख सकते हैं। आगे आते हुए यहाँ पे कुछ मैंने कॉर्न के प्लांट्स लगाए हैं, और इधर क्रिस एंथनम, जिसे हम हिंदी में गुलदावती भी कहते हैं, उसके अलग अलग कलर्स में प्लांट्स लगाए हैं। तो ऑरेंज, येलो, वाइट और रेड कलर्स में आप देख सकते हैं। गुलदावती एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। साथ ही साथ आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मूली का पौधा, जो कि मैंने सीड से ग्रो किया है, और ये साथ ही साथ गाजर का भी पौधा, जो कि मैंने सीड से ग्रो किया है। इन दोनों प्लांट के लिए आपको एक डेप्थ वाला गमला चाहिए रहेगा, तो आप कोशिश करें कि एक गहरा गमला लें अगर आपको मूली और गाजर ग्रो करना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख सकते हैं। रेड कलर का एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इन कॉर्न के प्लांट्स पे कॉर्न्स आने लगे हैं, जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा तो मैं आपको उसकी भी अपडेट दूंगा आगे चलकर। तो इधर मैंने कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। आगे चलते हुए यहाँ पे कैलेडियम का पौधा मैंने लगाया है, और भी कई सारे कलर्स में लगाए हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। ये ब्रिंजल का पौधा है, ये मैंने मार्केट से 10 रुपये में ख़रीद के लगाया था, ब्रिंजल का पौधा। ये कॉलीफ्लावर का पौधा है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। कई सारे कॉलीफ्लावर के प्लांट्स मैंने लगाया है, सीड से मैंने ग्रो किया था। इधर कुछ कलरफुल लीव्स के प्लांट की कटिंग मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया से लाया था और उसे ग्रो किया है, और काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है इन सारे प्लांट्स की। अगर आप इसे टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करते रहो तो काफ़ी बुशी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इधर से कुछ इस तरह का लुक आता है। साथ में आप देख सकते हैं येलो कलर के गेंदे के फूल उधर आपको देखने को मिल रहे थे। आगे चलते हुए यहाँ पर मैंने शुगर केन के प्लांट लगाए हैं, करीब 2 महीना पहले लगाया था मैंने, छठ पूजा के पहले। तो ये मैंने एक शुगर केन के प्लांट के 4 कटिंग लेकर लगाया था, और उन कटिंग से कई सारे प्लांट आ चुके हैं उस पर। इधर भी कुछ कलरफुल लीव्स वाले प्लांट मैंने इधर लगाया है, जो कि कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई करिए। जितने भी पौधे मैंने अभी आपको दिखाया है, ये इंक्लूडेड, ये किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में बॉर्डर लाइन क्रिएट करने के लिए होता है, या फिर किसी भी पार्क में, पार्क के साइड में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है एज अ बॉर्डर लाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इधर मैंने कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। इस पौधे का नाम है गेंदा। अलग अलग शेप और कलर्स में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, येलो और ऑरेंज में मोस्टली आपको देखने को इधर मिलेगा। इधर कुछ गुलदावदी के पौधे हैं, जिन पर अभी फ्लावर्स तो नहीं आए हैं, पर बर्ड्स आ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द उन पर फ्लावर्स भी आएंगे। इधर आप देख सकते हैं कि कुछ समर फ्लावरिंग प्लांट्स है, इधर कुछ कोलियस के प्लांट भी मैंने लगाया है। इधर है पीपल और बरगद का पौधा, जिसका प्लांट, इस प्लांट को जनरली लोग घर पे लगाने से मना करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें फैल जाती है और घर के वॉल को कमज़ोर कर सकती है। पर अगर आप टाइम टू टाइम इसकी रूट्स की प्रूनिंग करें, हर साल 2 साल में, और इन्हें एक सर्टेन हाइट तक मेंटेन करके रखें, तो ये अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं और काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। और टाइम टू टाइम आप हिंदू धर्म के अनुसार अब इसकी सुबह शाम पूजा कर दे। ये है शनि का पौधा, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है हिंदू धर्म में, इसे जनरली घर में लोग रखते भी हैं। ये एक बॉन्साई का लुक ले चुका है, काफ़ी बार ये पौधा मरने से भी बचा है मेरे घर पे, पर बहुत ही अच्छा कर रहा है अब ये पौधा। ये है हड्जोड़ का पौधा, अगर आपके घर में ऐसा कोई है जिसके हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है और काफ़ी ज़्यादा दवाइयों के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ है, तो आप इस हड्डियों के पौधे को नियम अनुसार यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए, ज़रूर असर करेगा। इधर कुछ रियो का पौधा और रजनीगंधा का पौधा है, ये कुछ कैनन लिली का पौधा है इधर, जो कि सीड से बहुत ही आराम से ग्रो कर जाता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, जो कि गर्मियों के समय में काफ़ी सारे फ्लावर्स इन पर आते हैं। ये है चाइना पाम ट्री,
पाम ट्री का ही एक वैरायटी है। इधर कुछ गुलाब के पौधे आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही अलग वैरायटी है। एक है बटन रोज़ जिनमें गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, एक है इंग्लिश रोज़ जिनमें बड़ा बड़ा फ्लावर्स आता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने चंपा के कुछ और पौधे लगाए हैं, और ये है कोरिएंडर का पौधा जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था। उसके अलावा यहाँ पे गार्लिक का पौधा आप देख सकते हैं, गार्लिक के एक छोटे छोटे पीस में मैंने उसे करके मिट्टी में लगा दिया था और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इधर कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख सकते हैं, गेंदे के पौधे। इधर ये सारे पौधे मैंने सीड से ग्रो किए और बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स आ रहे हैं इन पे। सितंबर के महीने में आप इन्हें सीड से ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हुए आप देख सकते हैं इधर ग्लैडियस का पौधा रेड कलर का है। कुछ दिन पहले इनमें कई सारे फ्लावर्स आए थे, पर अभी इसके सारे फ्लावर्स सूख चुके हैं और कुछ एक दो फ्लावर्स बचे हुए हैं। वो पीछे है 9 o'clock का पौधा जो कि बहुत ही अच्छा फ्लावर है गर्मियों के लिए। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेलिया का पौधा है और गुलदावदी का पौधा है। ये सन फ्लावर है, बड़ा वाला फ्लावर जिसपे आता है। एक है स्मॉल साइज़, एक बिग साइज़ है। तो ये बिग साइज़ सन फ्लावर प्लांट है जिसे मैंने सीड से ही ग्रो किया है। उसके अलावा आगे चलते हुए ग्लैडियस के कई सारे और भी प्लांट्स हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी इन पे फ्लावर्स आएंगे। इधर कॉस्मोस का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों, कॉस्मोस आप इसे ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। क्रिस एंथनम, गुलदावदी, मेरी गोल्ड, कॉस्मोस और हो सके तो ग्लैडियस का पौधा, ये चार पौधे बहुत खूबसूरत होते हैं और गुच्छों में इन पे फ्लावर्स आते हैं। पूरा छत आपका फ्लावर से भर जाएगा अगर आप इन चार पौधों को कई सारे करके लगाते हो तो। उसके अलावा यहाँ पे टमाटर का पौधा आप देख सकते हैं, ये देसी वैरायटी टमाटर का पौधा है। ये खुद ब खुद ही जनरली घर पे मिट्टियों में आ जाते हैं, तो मैंने अलग अलग जगह से उखाड़ के मैंने इसे एक जगह पे बस लगा दिया है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा था उस टमाटर के पौधे पे। ये है बोगनविला का पौधा, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। सिर्फ बस बारिश के टाइम छोड़कर पूरे साल इन पे फ्लावर्स आते हैं और पूरा प्लांट इसका फ्लावर से भर जाता है। तो कुछ इस तरह का लुक आता है जब आप मेरे टेरेस पर आओगे तो फ्लावर्स कुछ इस तरह से प्लांट्स दिखते हैं दोस्तों। इधर गर्मियों के कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं जिन पे अभी ऑब्वियसली विंटर सीजन चल रहा है तो फ्लावर्स नहीं आएंगे, पर गर्मी में काफ़ी खूबसूरत लगता है जब इन पे फ्लावर्स आते हैं तो। इधर है एक ब्लीडिंग हार्ट का पौधा, बहुत ही खूबसूरत पौधा है जो कि एक लत की तरह ग्रो करता है। ये एक सपोर्ट लेकर ग्रो करने वाला पौधा है तो आप इसे लगा सकते हैं, पर इन पे फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत आते हैं। ये कोलियस का पौधा है, इनमें और भी कई सारे कलर्स और वैराइटीज़ आते हैं। कटिंग से बहुत ही ईजिली और कम धूप में चलने वाला पौधा है कोलियस। इधर कुछ फ्रूटिंग प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं दोस्तों, अनार का, आम का और अमरूद का पौधा मैंने लगाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो और गार्डन का ओवरव्यू पसंद आया होगा दोस्तों। आपने क्या विंटर फ्लावर्स लगाए हैं, क्या विंटर प्लांट्स लगाए हैं, विंटर वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं, ज़रूर आप मुझे अपने मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर करें दोस्तों, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये अमरूद का पौधा है, इसमें साल में 3-4 बार हार्वेस्ट हो सकता है।